इन दिनों मऊ जनपद भी आपका किसी मुंबई या दिल्ली से कम नहीं है साइबर क्राइम के मामले में। कहा जाता है कि बड़े शहरों में जो साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपका ओटीपी लेकर के हो या आपका अकाउंट नंबर मांग के हो या किसी और तरीके से हो। साइबर क्राइम की बहुत सारी शक्लें हैं जिसमें आज एक साइबर क्राइम के एक ऐसे रूप से हम आपको अवगत कराएंगे जो सुन के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और सोचेंगे कि आपके मऊ जनपद में इस छोटे से शहर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। ऐसा ही मामला एक प्रकाश में आया है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ शहर के। पूरा मामला बता दें आपको कि हमारे बीच में मौजूद हैं एडवोकेट शहनशाह आलम साहब सिविल कोर्ट मऊ से, और इन्हीं के रिलेटिव हैं, इनके भांजे लगते हैं जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। पूरा मामला हम आपको बता दें कि इन दिनों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करना, अपलोड करना, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप का स्टेटस हो, ये बिल्कुल आम बात है। अब इसका मिसयूज कैसे होता है हम आपको ये भी बताते हैं। आपकी ही फोटो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। वकील साहब, आपके भांजे का क्या नाम है जिनका ये मामला है? भांजे का नाम मोहम्मद सैफ है जी। क्या मामला, पूरा थोड़ा पूरा मामला? प्रकरण ये है कि अभी मुझको एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले इसने बताया कि मामू मेरे साथ जो है 6-7 महीने से जो मेरे पास कभी रास्ते में कभी घर पे कई लोग आ करके मेरा मोबाइल चेक करते थे, रास्ते में पकड़ करके मेरे मोबाइल छीन करके लोग जो है कहते थे कि तुम मेरे बहन के पास या किसी मंगेतर के पास तुम फोन करते हो, तुम अपना फोटो भेजते हो, आ करके जबरदस्ती चेक करते थे और गाली गलौज भी कई बार किया और फोन पर जो है इसको जान से मारने के लिए कई बार धमकी भी मिली। इसने कहा कि भाई मैं ना कभी फोन किया हूँ और ना ही मेरा कभी फोटो भेजा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्हीं वजह से बीच में इसी वजह से डिप्रेशन में चला गया। तो फिर इधर ये फिर चार इधर जो बताया है कि एक हफ्ते पहले जब आया है इसे पूरा डिटेल लिया तो इसने ये बताया कि ये देखिए मेरे नाम से मतलब तो नाम फर्जी नाम कहीं असद नाम के, कहीं करण नाम से, कहीं डॉक्टर साहब खान नाम से और कहीं साहब के नाम से इसका फोटो लगा करके इंस्टाग्राम पे ये लड़कियों से जो साइबर क्राइम वाले कुछ अपराधी हैं इन्होंने जो है लड़कियों से अश्लील बातें करना, चैटिंग करना और यहाँ तक कि किसी लड़की कई लड़कियों को जो है प्यार के झांसे में ले करके इसका फोटो दिखा करके उनसे अपने और अपने करीबियों के अकाउंट में पैसा भी मंगवाया। अच्छा हाँ, ये बकायदा जो है जब वो लड़की ने और इसको इसके फोटो को लगा कर कहीं और सर्च किया तो इसका जब सही एड्रेस मिला तो पूरी बात हुई और उसने बकायदा डिटेल भेजा कि मऊ शहर के ही जो है कुछ अच्छे लोग भी हैं बहुत, उनके अकाउंट में तथा कथित अच्छे लोग नाम है शहर में कि अच्छे लोग हैं लेकिन उनके अकाउंट में उसने पैसा भेजा और अकाउंट का डिटेल मैंने निकलवा लिया है। बाकायदा मैंने इसका ऑनलाइन इसका कंप्लेंट किया है, एसपी के यहाँ भेजा है और इसको अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं कोर्ट के माध्यम से कराऊंगा। और इसने लड़की ने जो है नोएडा में भी कंप्लेंट किया, लड़की दिल्ली की है, नोएडा में भी कंप्लेंट किया और मऊ में भी फोन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया है प्यार के नाम पर जो है इसका फोटो दिखा करके इस तरीके से हमारे साथ ठगी हुई है। आप लोगों ने लीगल एक्शन क्या लिया उसमें? लीगल जैसे ही पता चला तो मैंने कहा कि आप जितना भी वो इंस्टाग्राम पे और चैटिंग का व्हाट्सएप पे जितना भी मैसेज किया है और तुम्हारे नाम से जो फोटो लगा कर, हालांकि सब फर्जी नाम है लेकिन फोटो इसका है तो उस सबका पहले कॉपी निकालो। कॉपी निकालने के मतलब मानसिक तौर पे इनका हाँ शोषण हुआ है, मानसिक तौर से सामाजिक रूप से रास्ते में आना जाना और सब घर पे पहुंच जाना, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, जिसके वजह से ये डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का कारण उस समय हम लोग समझे इसमें मुख्य दोषी कौन है? मुख्य दोषी तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते कौन दोषी है लेकिन यह है कि आपका पूछने का मतलब क्या है मुख्य दोषी? मुख्य दोषी से तात्पर्य यह है कि इसमें
आपने बताया कि 4-5 नाम सामने आया है, हाँ, तो क्या इसमें वेरीफाई हुए कुछ लोग? जी जी, दो लोग तो वेरीफाई हो गए हैं, और लेकिन अभी नाम मैं उजागर नहीं करूंगा जी, और जब पुलिस ने कुछ होगी तो मैं कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगी। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पर मीडिया में प्रसारित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि लोग अवेयर रहें कि कोई भी लड़की या महिला जो है किसी को फोटो देख करके या फर्जी तरीके से, मतलब तो सोशल मीडिया पर किसी से कोई आप ऐसा रिलेशन ना जोड़े कि आपकी इज्जत पे आँच आए, आपका फाइनेंशियल नुकसान हो, या कोई बुलाए आए, मतलब आपके साथ कोई छेड़खानी ना हो, कोई आपके साथ घटना नहीं, जैसे कहने अभी आपके भांजे के साथ तो इस तरह का कोई मामला उन्होंने नहीं जोड़ा, उनकी सिर्फ फोटो इस्तेमाल की गई और जिसके फलस्वरूप उनके साथ इतना कुछ हो गया। सिर्फ फोटो इस्तेमाल करने के अलावा अभी कुछ लोग सामने नहीं आ रहे हैं जी, बताया गया है कि वो बकायदा फोटो इस्तेमाल करने बाद चैटिंग करके कुछ लोगों को, महिलाओं को या लड़कियों को जो है बुलाया गया, उनके साथ जो है अश्लील हरकत की गई है। अच्छा, हाँ, अश्लील हरकत भी की गई है, लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई थी और उस सामाजिक जो बेइज्जती न हो या समाज हमारे नाम न खराब हो, इसलिए वो सामने नहीं आया। अच्छा, इस प्रकरण में किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है? अब इसमें IT एक्ट के अंतर्गत तो होगा ही, उसके अलावा 419, 20, 467, 468, 471, 354 और 376 एकदम, अब 376 के बारे में तो नहीं, लेकिन 354 का अगर वो लड़की सामने आ जा रही है बयान देंगी तो वो भी होगा। जैसा आपने देखा कि सोशल मीडिया से किस तरीके से फोटो का दुरुपयोग करके और मानसिक तनाव में लड़कियों को डाल दिया गया, करे कोई भरे कोई वाली मिसाल आपने सुना होगा, सिर्फ फोटो से इतना बड़ा स्कैम किया जा सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा। अब हम आपको दिखाते हैं, अभी तक तो आपने वकील साहब को देखा, आप वकील साहब के आप उस भांजे को देखेंगे जो इस रोग से पीड़ित हो गए हैं, जो मानसिक रोग से पीड़ित हो गए हैं, काफी परेशान है। अब सामने जो स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही है, ये बॉलीवुड के कोई हीरो नहीं है, बल्कि वकील साहब के यही भांजे हैं जिनकी फोटो दिखा करके लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती थी, और लड़कियों को इम्प्रेस करके इनके साथ इनकी फोटो का इस्तेमाल करके लड़कियों का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरीके का शोषण किया जाता रहा है। ये वो पीड़ित हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके साथ क्या इनकी दशा हुई थी, क्या क्या इनके ऊपर गुजरी है, हम इनके मुंह से आपको सुनाएंगे। पहले आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अंसारी है और मैं स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा, और पार्ट टाइम है वो, मैं पार्ट टाइम होम ट्यूशन देता हूँ। आपके साथ क्या घटना घटी थी जो आपके मामू ने बताया है शहनशाह एडवोकेट साहब ने? 4-5 महीने से अक्सर फोटो पे कमेंट आता है लड़कियों के कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं और ऐसे प्यार के वादे करके, शादी के वादे करके आप अभी बात करना बंद कर दिया। उसमें कमेंट में गालियां भी रहती थी, और अक्सर राह चलते लोग, मैं ट्यूशन पढ़ा के आता था तो अक्सर लोग यहाँ रास्ते में रोकते हैं, हमारा फोन छीन के देखने लगे। क्या देखते फोन में? ये देखे ना कि उनका रिलेटिव जिनको परेशान किया जा रहा है, उनका नंबर तो नहीं मेरे में, तो वो लोग फोन चेक करते थे, नंबर सारा सब कुछ चेक करते थे, और कितनी बार फोन पे कॉल पे धमकियां मिली हमें कि यहाँ पे आओ तुमको मारना है ऐसे वैसे। अच्छा, लड़कियों से जो कम्युनिकेशन होता था, उस कम्युनिकेशन का माध्यम क्या होता था, किस माध्यम से होता था कम्युनिकेशन? अब तक लड़कियों ने जो बताया, इंस्टाग्राम पे 3-4 ID थी, और कई दफे व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी। अच्छा, आपकी ओरिजिनल ID क्या है जो आपने बनाया इंस्टाग्राम पर? मेरी रियल ID M.Saf5454 है। यही आपकी ओरिजिनल जो आपने बनाया है? रियल ID। अब बाकी जो ID है वो फेक है आपकी फोटो लगा के। जी। अच्छा, अब बताइए सकते, अभी आपने बताया कुछ लोगों ने आपको घेर लिया, आपका मोबाइल छीन लिया, आपके घर तक पहुंच के गाली गलौज करने लगे जी। तो इन तरह का जो मामला आपके साथ गुजरा है, ये कितने दिनों का मामला हो गया है? ये करीब 4-5 महीने से हो रहा है। मैंने घर पे नहीं बताया था, अभी हाल ही में ना जब एक लिमिट क्रॉस हो गई तो मैं अपने मामू से बात किया, मामू ऐसी सी बात है, और घर पे हमने कुछ नहीं बताया था, तो मामू बोले कि ये सब सारी कॉपी निकलवाओ और कल हमारे पास लेके आओ, तो हमने सारी कॉपी निकलवाई और मामू को दे दी अपने। अच्छा, आपके मामू ने सुना है कि एक लड़की से, हमने कॉल रिकॉर्डिंग अभी हमने भी सुना है जी, उसमें एक लड़की से आप बात कर रहे हैं, वो लड़की बता रही है कि किसी ने उससे बात किया था जी, आपकी फोटो दिखा के, तो उसमें बता रहे थे कुछ सुसाइड जैसी कुछ बात आ रही थी, क्या बात थी, क्या कह रही थी लड़की? जी, उस लड़की को बहुत ज्यादा हैरेस किया गया था, हमें शादी का वादा करके
मीन्स उसकी अम्मी अब्बू तक से बात किया गया, वो लोग समझते थे क्या कि मैं वो, मतलब कि वहाँ पे सारी फोटो हमारे भेजी गई। तो जो लड़का जब बात करना बंद कर दिया तो लड़की छानबीन करने लगी, तो किसी तरह मेरी आईडी पे आ गई और हमारे आईडी में आ करके ये सब जो होता है गाली वगैरह जो भी सब देने लगे हमें। यहाँ तक उसकी मम्मी ने भी कॉल किया कि आप ऐसे काम करते हो, आपको शर्म नहीं आती है। बहुत कुछ हमने फेस किया हमने। अच्छा, आपके घर वालों का क्या रोल है आपके इसमें? घर वाले ये सब देख करके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए वो लोग। ऐसे नहीं, वो क्या उनको लगता है कि सब कारनामा आपका है या नहीं, कि नहीं, फेक आईडी का है? जी नहीं, वो फिर वो लोग समझते और मानते भी हैं। अच्छा, कुछ पैसे का लेन देन हुआ बता रहे थे आप, क्या था कैसा लेन देन? एक नोएडा की लड़की है, अभी तक फिलहाल उसका सामने आया है कि उन्होंने अभी तक 13,500 रुपये अभी तक दिए हैं। 13,500। आप देख रहे होंगे कि जो इन्होंने बातों को बताया उस बात से आपको भी सीख मिल रही होगी कि इस समाज में किस तरीके से रहना चाहिए। जो सोशल मीडिया आपके लिए फायदेमंद है वही काफी नुकसानदेह भी आपके लिए हार्मफुल भी है। कैसे है ये आपने देख लिया और समझ लीजिए कि इस समय इस समाज में सुंदर होना भी एक अभिशाप बन गया है, जैसा इनकी फोटो का इस्तेमाल किया गया। इनकी फोटो को दिखा के झांसे में लड़कियों को लेके उनके साथ हर तरीके का शोषण किया गया और वहीं करे कोई भरे कोई के तर्ज पर करता कोई था, गालियां इनको पड़ती थी, इनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, आज भी ये इस मानसिक पीड़ा को झेल रहे हैं। राह चलते अक्सर कोई ना कोई इनको घेर लेता है, मोबाइल छीन लेता है, इनकी जांच पड़ताल करता है, लेकिन जब इनका पता चलता है क्या इनका कैरेक्टर किस तरह के हैं ये, तो उस समय उनको संतुष्टि मिलती है, बाद में वो भी इस चीज को जानते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस तरीके के इस स्कैम में जो पूरी चैन बनी हुई है, पूरा गैंग बना हुआ है, सामने चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर पुलिस काफी चुनाव में बिजी है, लेकिन ये भी एक साइबर क्राइम करने वाले जो फोटो पे इतना बड़ा स्कैम कर सकते हैं, वो ना जाने और किस किस माध्यम से कितना बड़ा स्कैम करते होंगे। अगर जल्द ही पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया, साइबर क्राइम पे कंट्रोल नहीं किया, इन तरह के लोगों पे नियंत्रण नहीं लगाया, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग घर बैठे अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। अब देखना यह है कि इस खबर का असर क्या पड़ता है, जिला प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके की क्रियाकलापों में लिप्त पाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मोहल्ला औरंगाबाद में भी इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप सक्रिय है जो लड़कों की, नौजवान लड़कों की, 10-12 साल 15 साल के लड़कों की फोटो लगाकर, फोटो को एडिट करके, बुरी फोटो बना करके उनका मानसिक शोषण कर रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है। इस तरीके के और भी बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन अब हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सुशील घुले साहब एक उमदा अफसर हैं, उनसे बड़ी उम्मीद हमारी ना संदेश को कि समाज के लिए एक हितकारी काम यह है, इस पर जरूर अंकुश लगाएंगे और जो दोषी हैं इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक सजा दिला करके उनको भी एक नजीर बनाएंगे। खबरें पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव हमें बता सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हो रही है तो आप भी हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके सूचित करें। खबरों का ताजा अपडेट पाने के लिए और नए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।